झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट डिस्काउंट ऑफर। अब अपना बिजली बिल जमा करना हुआ आसान, लंबी कतारों से छुटकारा और साथ ही बिल पेमेंट पर कैशबैक डिस्काउंट भी। तो आज ही संपर्क करें उपेंद्र ऑनलाइन डिजिटल सर्विस, पूरन चंद चौक, रंका रोड, टंडवा। अब आपके शहर सारठ में खुल गया शिवम मेगा मार्ट। स्थान मेन चौक सारठ सुनिधि इंटरप्राइजेस के पीछे। एक छत के नीचे घर में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री उपलब्ध है। प्रोप्राइटर दिगंबर मंडल, स्थान सुनिधि इंटरप्राइजेस के पीछे, मेन चौक सारठ। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, नियर ज्योतिष रे सिनेमा हॉल, सहेजना रोड, गढ़वा, झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। केतार से दिनेश वर्मा की रिपोर्ट। पुराने स्टेडियम को तोड़कर नए स्टेडियम का हो रहा निर्माण। लोहिया समता उच्च विद्यालय केतार के प्राण सिंगण में पुराने स्टेडियम को तोड़कर नए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। विदित है कि नए स्टेडियम खेल पर्यटन विभाग से 14 नवंबर 2018 को 79,40,000 की लागत से बतो खुर्द सूरज मंदिर के पास तत्कालीन विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, जो वहां न बनकर केतार स्थित लोहिया क्षमता उच्च विद्यालय के प्रांगण में पुराने स्टेडियम को तोड़कर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसके विरोध में प्रखंड कार्यालय केतार एम थाने में इस मामले को लेकर आवेदन दिया गया। पूर्व जल संसाधन मंत्री रामचंद्र केसरी ने कहा कि इस मामले की जांच कर स्टेडियम के ठेकेदार जितेंद्र चतुर्वेदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। तो बत्तो कला में ही बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है तो नाजायज बन रहा है। केतार में जो पहले से स्टेडियम बना हुआ है, जो हमारे समय में बना था, उसी को तोड़ के बनाने की योजना बना लिया है। ये राशि लूटने के लिए काम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह का काम करते हैं राशि लूटने के लिए करते हैं। इस पर मैं जांच करा करके पूरी कार्रवाई करूँगा, इसकी सूचना मांगूंगा। ये सारा काम मैं करूँगा, जिस काम में लगता हूँ उसको पूरा करता हूँ, जो करूँगा यही मैं मेरा आज कहना है। मैं डीसी से मैंने कहा, अभी सूचना दिया हूँ मैं, जैसे हमको यहाँ के पेश के लोगों ने बताया, मैंने तुरंत सूचना डीसी को दिया हूँ। डीसी ने कहा कि पूरी जांच करके हमको बताइए क्या स्थिति है, कैसे कैसे हुआ है, कौन संवेदक, तो संवेदक कौन है सबको पता लगाना होगा, कौन कौन विभाग है ये भी पता लगाना होगा, लगा के मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, ये मैं कहने आया। मैं सूचना पा करके यहाँ आया हूँ, देख करके भी आ रहा हूँ। इस मौके पर रामचंद्र केसरी, देवेंद्र चौबे, मुंगा साह सहित दर्जनों झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। धन्यवाद।